नवरात्रि का ये शुभ त्यौहार आप सभी को हमारी तरफ से मुबारक हो। मैं हूँ मस और मैं हूँ जान और आप सभी का वापस से स्वागत है मस्क जान क्रॉनिकल्स। जैसे कि आप सबको पता है कि नवरात्रि चल रहे हैं और ये नवरात्रि बहुत ही शुभ हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो आज पाँचवें नवरात्रि पे हम आप सभी को लेकर आ गए हैं दिल्ली के बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक झंडेवाला माता के मंदिर के दर्शन कराने। जय माता दी, और से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो हम दिल्ली के जाम की वजह से काफ़ी लेट हो गए और चलो गाइस जल्दी से दर्शन करते हैं और आपको भी पावन दर्शन कराते हैं माँ झंडेवाला माता के। तो ये मंदिर का आउटर एरिया और देखिए कितना ज़बरदस्त सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है इस टाइम पे मंदिर। और नवरात्रि में दर्शन करने के अलग ही मज़ा आता है, माता रानी के दर्शन करने में जो मज़ा आता है नवरात्रि में, क्योंकि वहाँ इतनी अच्छी सजावट हुई होती है कि दिल खुश हो जाता है। आइए चलते हैं आगे दर्शन करने। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो अभी हम लोग एंट्री की लाइन में लगे हुए हैं, हमें पता था कि यहाँ पे 7 बजे करीब आरती होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे 6 बजे ही आए। 6 बजे करीब हमने अपनी कार पार्क कर दी थी, बट हमें ये नहीं पता था कि 7 बजे आरती के लिए 6:15 बजे गेट्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो अभी हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी लाइन है क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, तो बहुत भीड़ है इस टाइम पे। क्योंकि यहाँ पे खड़े होकर बहुत ही सुंदर सुंदर माता की भेंटें सुनने को मिलती हैं और उन भेंटों से हमारा मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। तो आइए आपको भी थोड़ी सी भेंटें सुनाते हैं और हमारे साथ इस मंदिर के दर्शन के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए। जैसे हम लाइन में लग के आरती समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे हैं। जय माता दी, जय माता दी। दिल्ली के बीचों बीच स्थित झंडेवालन मंदिर पहाड़गंज क्षेत्र में पड़ता है। ये प्राचीन मंदिर झंडेवाली माता को समर्पित है और मान्यता है कि झंडेवाला माता के दर्शन से भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नवरात्रों में भक्तों की लंबी कतार दिखाई देती है। माँ झंडेवाली को देवी वैष्णो का अवतार माना जाता है। कहा जाता है कि 100 साल से भी पहले इस स्थान पर बहुत से लोग साधना करने आते थे, उनमें से एक चांदनी चौक के कपड़ा व्यापारी श्री बद्रीदास जी जो वैष्णो माता के भक्त थे वो इस स्थान पर आकर ध्यान करते थे। एक बार ध्यान में लीन श्री बद्रीदास जी को ऐसा अनुभव हुआ कि वहीं स्थित एक गुफा में कोई प्राचीन मंदिर दबा हुआ है। इसके बाद माँ वैष्णो ने श्री बद्रीदास जी को सपने में दर्शन दिए और अपने यहाँ होने के बारे में बताया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया। थोड़ी ही खुदाई के बाद वहाँ एक झंडा मिला जिससे इस स्थान का नाम झंडेवालन रखा गया। उसके बाद जब और खुदाई की गई तो वहाँ से देवी माँ की एक मूर्ति मिली और तब से आज तक इस मंदिर को पूजा जाता है। तो आइए अब ले चलते हैं आपको शिवलिंग के दर्शन कराने। तो आप देख सकते हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ कितने लोग दर्शन करने आते हैं। जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता दी बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता की बोलो, जय माता दी, जय माता दी बोल, तो सही शीनू हाई फाइव कर दो, चलो हाई फाइव कर दो।
गाइस आज नवरात्रों के दिन, पांचवें नवरात्रे के दिन हमारे बहुत ही पावन दर्शन हुए माँ झंडेवाले माता के मंदिर में, और अभी हमने आपके भी दर्शन कराए और पूरी यहाँ की इतिहास के बारे में आपको बताया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट सेक्शन में एक बार जयकारा जरूर लगा दो, जयकारा जरूर लगा दो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तो इतने पावन और इतने अच्छे दर्शन के बाद चलिए चलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। चलो गाइस, कैसे दर्शन हुए भाई? जय माता दी। बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, दर्शन हुए। सबसे पहला नंबर हमारा था, बहुत मजा आया है। जय माता दी, जय माता दी। और प्रसाद में हमें नारियल का लड्डू मिला जो व्रत में भी खाया जा सकता था और वो बहुत ज्यादा टेस्टी था। अब चाय और शरबत का प्रसाद लेंगे। हाँ जी, स्वाद है चाय? बहुत स्वाद है, प्रसाद हमेशा स्वाद ही होता है। चलो आओ, निशुल्क मेहंदी की सेवा का भी मजा उठाएं, आपको मेहंदी लगवाते हैं। चलो वहाँ पे मेहंदी लगते हैं निशुल्क मंदिर के अंदर, झंडेवाला माता के मंदिर के अंदर। पहले यहाँ से पहले मैंने कहीं नहीं देखा कि निशुल्क मेहंदी लग रही हो, तो इसी वजह से सारी लेडीज को बहुत खुश हो जाती है। माता रानी ने हमारी पुकार सुन ली मेहंदी लगवाने की, फ्री मेहंदी लगवाने की पुकार सुन ली है, और यहाँ से एंट्री होगी और अभी हम आपको लेकर चलते हैं और मस को भी मेहंदी लगवाते हैं। तो हमारी मम्मा तो पहले ही जा चुकी हैं। माता रानी के इतने अच्छे दर्शन हो गए, फिर उसके बाद इतनी अच्छी मेहंदी लगी है, वो भी निशुल्क। दिखाओ तो सही एक बारी, दिखाओ मेहंदी, दिखाओ दोनों, ऐसे हाथ करो ना, तो उल्टा उल्टा करी जा रहे हो। मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और अभी हम लोग दर्शन करके आए हैं माँ झंडेवाली माता के, और बहुत ही मंदिर को इतने सारे श्रद्धालु आते हैं तो इतनी भीड़ होती है, और इतने सारे सेवादार होने की वजह से मंदिर पूरे टाइम, हर टाइम सफाई और सेवा का पूरा ध्यान रखा जाता है। हर मोड़ पे, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद सेवादार तो यहाँ पे मौजूद है जो आपको बता रहा है कि कहाँ कहाँ चलना है, और कहीं भी रुकने नहीं दिया जा रहा क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आप भी यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आएँ। अगर आप माँ वैष्णो देवी के, माता वैष्णो देवी के दर्शन जम्मू कश्मीर में नहीं करने जा पा रहे तो आप यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे, बहुत ही शुद्ध, आपको बहुत मन को शांति मिलती है, मिलेगी आपको बिल्कुल। जोर से बोलो जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय, झंडेवाली माँ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू।